ठीक है। आज हम लोग इस केबल में ग्लाइंड करेंगे, ठीक है। ग्लाइंड करने का तरीका सीखेंगे। ऐसे तो तुम जहाँ जाओगे वहाँ लंबा लंबा केबल में ग्लाइंड होगा, हो सकता है इससे भी और मोटा मोटा तार हो, है ना। तो जितना का केबल है, अगर तुमको इसका साइज नहीं मालूम है तो स्केल लेंगे, स्केल लेके इसका सामने से डाया इसका नाप लेंगे कितना डायमीटर है, अपने पता चल जाएगा कि इतना एमएम का केबल है। तो जितना एमएम का केबल है उससे थोड़ा ज़्यादा का ग्लाइंड होना है, ठीक है। कितना का होना है चाहिए उसके लिए हम लोग तुमको चार्ट दे देंगे, इतना का केबल में इतना का ग्लाइंड और इतना का केबल के बाद इतना का केबल आता है, इतना का कंट्रोल केबल के बाद इतना का कंट्रोल केबल आता है, सारा डिटेल तुमको हम लोग अलग से देंगे, ठीक है। फिलहाल अभी देख लो, तीन तरह का ग्लैंड है, ऐसे ग्लैंड और भी तरह का है मगर जो यूज हो रहा है ज़्यादातर हम लोग का काम में वो तीन तरह का ग्लैंड है। एक है प्लास्टिक का जिसको पीवीसी ग्लैंड बोलते हैं, एक और आता है जिसमें फ्लेक्सिबल पाइप लगता है उसको पीवीसी कपलिंग बोलते हैं, एक आता है सिंगल कंप्रेसर ग्लैंड जो होता तो ग्लैंड है मगर बहुत मजबूत नहीं होता है, ठीक है, और ज़्यादातर पावर केबल में यूज़ होता है। मगर ये कंट्रोल केबल है, कंट्रोल केबल में डबल कंप्रेसर ग्लैंड, और बल्कि सऊदी वगैरह में डबल कंप्रेसर ग्लैंड ही इस्तेमाल करते हैं, वो लोग सिंगल कंप्रेसर पे भरोसा नहीं करते क्योंकि बहुत मजबूत नहीं होता। और कभी कोई आदमी तुम्हारा इंटरव्यू लेगा जो अंग्रेज होगा तो ये डबल कंप्रेसर ग्लैंड में लेगा और इसको तुमको बोलेगा कि केबल में ग्लैंड करो, और तुम जब ग्लैंड कर लोगे तो उसमें लटक के चेक करेगा, और यही वो ग्लैंड है, अगर अच्छे से तुम कर दिए तो लटक जाने के बाद भी खुलेगा नहीं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर क्या है, क्या है जो लटकने से भी ये नहीं खुलता। इसका टोटल पार्ट्स को हम लोग खोल देंगे, क्यों खोलेंगे, चूँकि जब इंटरव्यू में तुमको जब देगा तो इस तरह से खोल के देगा कि जो आदमी कभी ग्लैंड नहीं किया है वो इसको सेट भी नहीं कर पाएगा, और जो आदमी कभी भी ग्लैंड एक बार भी किया है उसको देखते ही उसको याद आ जाएगा कि हमको कैसे क्या करना है, क्योंकि ये टोटल पार्ट्स है इसका, इसमें एक चीज़ नहीं है, अर्थ का टैग लगाने वाला एक वॉशर जैसा रहेगा, ऐसा ही वॉशर रहेगा, इसमें थोड़ा सा इस तरफ में ऐसे करके बना रहेगा, एक छेद रहेगा जिसमें अर्थ का टैग लगाना है, वो नहीं। या मान लो उसका नंबर रहेगा कितना नंबर है, वो नहीं, टैग नंबर के लिए नहीं, बाकी सारा कुछ यहाँ पे है। ये एक डबल कंप्रेसर ग्लैंड का पार्ट है। तो देखो गौर से, हम लोग जब भी ग्लैंड करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम इस पार्ट को उठाएंगे, देखो अंदर में थ्रेड है, ठीक है, और यहाँ देखो बाहर तरफ कैसा है, सादा, ठीक है। तो ये लेंगे सबसे पहले, ये लेंगे, और जब ये लेंगे तो हमको इसके बराबर, देखो दो रबर है, वॉशर जैसे दो रबर है, तो हमको इसके डाया का रबर लेना है, क्योंकि ये रबर अगर हम लेते तो इसके डाया से मैच नहीं कर रहा, छोटा हो जा रहा है, तो इसको लेंगे। और जब रबर ले लिए हैं तब हमको वॉशर लेना है, देखो दो वॉशर है, अगर हम वॉशर नहीं लेते हैं तो क्या होगा, तो जो चीज़ इस थ्रेड में टाइट होगा हो सकता है वो रबर को काट दे, इसलिए रबर को प्रोटेक्शन देने के लिए वॉशर, अब हम वॉशर ले लिए। वॉशर लेने के बाद ग्लैंड का ये बॉडी है, क्या है, ग्लैंड का बॉडी है जिसमें बाहर थ्रेड है, इसको बोल सकते हैं मेल सॉकेट, और अंदर भी थ्रेड है, इसको बोल सकते हैं फीमेल सॉकेट, बोल सकते हैं मेल फीमेल सॉकेट बोल सकते हैं, मगर ये ग्लैंड का बॉडी है, इसको लगा दिए, पूरा ग्लैंड का बॉडी। इतना पार्ट होने के बाद इसको हम लोग केबल में डाल दें, जैसे कि इससे थोड़ा कम साइज का है और इस केबल के लिए इतना पार्ट जो यहाँ रेडी किए यहाँ पे है, इसको हम लोग यहाँ डाल देंगे, ठीक है। और डालने से पहले क्या करेंगे, डालने से पहले क्योंकि केबल में कुछ कटिंग उटिंग है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, मान लो हमको यहाँ पर ग्लाइंड करना है, कहाँ पे, यहाँ पे ग्लाइंड करना है, तो जहाँ ग्लाइंड करना है पहले वहाँ का पीवीसी आउटर लेयर जो है, आउटर सबसे बाहर वाला पीवीसी, इसको काटेंगे हेक्सा ब्लेड से या इलेक्ट्रिकल नाइफ से, यानी इलेक्ट्रिशियन का जो छुरी होता है उससे, नाइफ बोलते हैं उससे। देखो केबल तो यहाँ छोटा है तो हम हाथ से घुमा ले रहे हैं, अगर केबल लंबा रहेगा तो केबल नहीं घूम पाएगा, हमको घुमाना होगा अपने हाथ, है ना, हाँ। एक्सो ब्लेड से हम लोग इसको काट रहे हैं, छुरी से भी इसको काटा जा सकता है, इसको जो काटेंगे एकदम सीधा काटेंगे,
मतलब तिरछा नहीं काटेंगे, कट गया। इसके बाद हम इसका ये पार्ट को देखेंगे, यही पार्ट से तय होगा आर्मर कितना लंबा काटता है। तो देखो कितना हाफ इंच से छोटा है, हम लोग हाफ इंच काटेंगे, कितना काटेंगे हाफ इंच। तो अभी जो काटे अभी सिर्फ ऊपर का लेयर कटा है, ये वाला नहीं कटा है, ये आर्मर है, ये वाला आर्मर है, ये अभी नहीं कटा है। अब हम लोग जो काटेंगे तो हाफ इंच छोड़ेंगे, अंदाज से हाफ इंच है ये जी। अब जो काटेंगे आर्मर के साथ, अब जो काटेंगे तो आर्मर भी कट जाना चाहिए, पूरा नहीं आधा, थोड़ा आधा कटना चाहिए। बस हो गया। अब ये ले लेंगे नाइफ, इसको बहुत ज़्यादा खोलने का ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरत हो उसी हिसाब से खोलेंगे। अब देखो अंगूठे से दबाएंगे, ठीक है, हालांकि हम लोग का छोटा वो टना के निकल रहा है मगर हम लोग उसको निकलने नहीं दे रहे हैं। देखो कैसे काटेंगे इस पार्ट को भी अंगूठे से, किसे दबाएंगे अंगूठे, अंगूठे से ढकेलने से क्या होगा, सेफ रहेगा, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे करके काटना चाहते हैं, कुछ लोग केबल को ऐसे काटना चाहते हैं, मगर ऐसा काटना सेफ नहीं है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ को इधर टानते हैं तो आसानी के साथ मेरे बॉडी तरफ के पास आ सकता हो, मगर जब हम किसी को ऐसे ढकेल रहे हैं अंगूठा से तो लिमिट है इसमें, जितना अंगूठे से ढकेलेंगे उतना ही दूर जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और इस तरफ करेंगे तो इधर जाएगा, इधर सेफ है, मगर इधर आएगा तो बुरी बात नहीं है। तो ये कोई बताएगा नहीं, ये खुद काम करते करते आपको समझ में आएगा। अभी हम लोग कर दिए, ये लेयर को निकाल लेंगे, कटाते एक बार और देख लेंगे। हो गया, देखिए आर्मर में दाग हो गया, आ गया जी सर। अब देखिए इसको खाली ऐसे पकड़ेंगे, आधा इसीलिए काटे, क्योंकि अगर पूरा काटते तो ये भी कटता जी सर। एक बराबर कटा जी सर, हो गया चलो। देखो इतना कटिंग किए, कटिंग करना तो बड़ा आसान था, पहले हम लोग इसको काटे और फिर इसको जो थोड़ा ज़्यादा काटे ताकि इसको हिलाए तोड़े। अभी कुछ नहीं करना, अब हमको इतना पार्ट को अंदर डाल डालिए, अगर इसको हम अच्छे से टाइट कर देंगे इसका जो रबर है इसको पकड़ लेगा, क्योंकि इसका अंदर का रबर इसके डाया का था, इसके डाया से थोड़ा ओवर था। टेबल इतना अंदर डाल, डालने के बाद ये रिंग, रिंग का इस तरफ का थिकनेस देखो थोड़ा मोटा है, इधर का थिकनेस देखो पतला है, तो मोटा तरफ से अंदर डालेंगे, हो गया। उसके बाद आर्मर को फैलाएंगे, सब आर्मर को हल्का फैला देंगे, अगर नहीं हो पाएगा तो हल्का स्क्रू ड्राइवर से, नोज प्लायर से, किसी से भी हल्का हल्का फैला देंगे। फैल गया, अब ये वाला देखो, देखो इस तरफ से कोन के जैसा है और इस तरफ देखो तो कोन के तरफ से अंदर डालेंगे, हो गया। सारा आर्मर इसके ऊपर आना चाहिए, एक भी आर्मर इसके अंदर नहीं आना चाहिए,
उसके बाद हम लोग ये लेंगे, इसमें रबर लगा हुआ है, इसका एक वाशर लेंगे और लेने के बाद इसको यहाँ डालेंगे, ठीक है। अब जब हम इसको ढकेलेंगे इससे ज़्यादा अंदर जाएगा नहीं। अब इसको टानेंगे, इसको जैसे ही टाने हैं तो देखो अंदर क्या हुआ है, देख रहे हो, ये ऐसे पकड़ेगा, इस तरह से ऐसे पकड़ लेगा जी। जब ये कोन और ये आर्मर और ये रिंग मिलके, ये दोनों मिलके आर्मर को पकड़ लेगा, कितना मजबूत होगा ये। अब अगर कोई इस पर लटक भी जाए तो खुलेगा नहीं सर, बिल्कुल नहीं खुलेगा। इस तरह से करेंगे, इसको स्पैनर से टाइट करना है, किसे टाइट करेंगे, स्पैनर से अच्छी तरह टाइट करेंगे। जब ये दोनों को टाइट करेंगे, इसका रबर इसको पकड़ लेगा चूंकि इसके डायक था, ये दोनों को जब टाइट करेंगे तो इसका रबर इसको पकड़ लेगा, और जब ये दोनों तरफ से टाइट होगा तो अंदर में कोन, कोन के ऊपर आर्मर और उसके ऊपर रिंग बढ़िया से टाइट हो जाए, सही है। उसके बाद इसको हम लोग काटेंगे हल्का सा, बहुत बड़ा प्यार से काटेंगे, आधा काटेंगे आधा ऐसे करेंगे तो फट जाएगा। उसके बाद जो केबल निकलेगा, फिर उस केबल में जैसा लग्स लगेगा उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ग्लैंड तो हो चुका, फ़ायदा क्या हुआ ग्लैंड करने से, ग्लैंड का मतलब होता है गांठ, गिट्ठा। तो केबल में तो गांठ मार नहीं सकते, एक तरह का गांठ हुआ। तो जब इसको हम यहाँ लगा दिए, फिर हम ये वाला लेंगे। अब पैनल में, जिस पैनल में हमको लगाना है, जिस भी पैनल में इसको लगाना है, उस पैनल में पहले हम देखेंगे कि इतना बड़ा छेद है कि नहीं। अगर नहीं है इसको पहले नापेंगे स्केल से, और उतना एमएम का होल सॉ, क्या बोलते हैं होल सॉ, जैसे ये एक्सा ब्लेड है इसका तो सीधा है, वो गोल रहा है, होल सॉ से पहले इसको छेद करेंगे इतना बराबर, क्योंकि पैनल लोहे का होगा, इतना बराबर काट लेंगे, फिर इसको उसमें आराम से इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद ये चेकनट पर से टाइट सर, सर इस 15 तक कट जाएगा ना सर, मैंने वाशर ऊपर से रहेगा, ये अंदर से टाइट, ठीक है। जब बढ़िया से टाइट कर देंगे तो क्या होगा फ़ायदा, पहला तो केबल को स्ट्रेंथ मिल जाएगा, अगर इधर से कोई केबल हिल भी जाए तो अंदर का टर्मिनेशन नहीं हिलेगा, एक फ़ायदा। दूसरा क्या है कि जिस पैनल में हम इसको टाइट किए हैं उस पैनल को पहले से अर्थ किया हुआ, अब वो अर्थ इसमें आएगा, इसमें आर्मर टाइट है, जितना लंबा केबल उतना दूर आर्मर, उस तरफ भी ग्लैंड होगा तो वहाँ से वहाँ तक अर्थ पहुँच भी जाए, समझ में आया।